हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेवन लर्नर्स। दिस इज मी आयुषा सोनी एंड इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कस्ड अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। उसी को हम आज फर्दर आगे बढ़ाते हुए विल डिस्कस अबाउट द पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज। तो पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे कि सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस जो थे ना, ये आपके ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए थे। वन इज़ नेटिव एंड अनदर वन इज़ फॉरेन पार्ट। तो नेटिव वाले जो सक्सेसर्स थे ना, दे आर दो सक्सेसर्स जो इंडिजिनसली इसी लैंड के थे, मतलब इंडिया के ही थे। एंड द फॉरेन वन जो आपके बाहर से आए थे, उन्होंने अटैक किया, इन्वेड किया, उसके बाद रूल किया, दे वेर द फॉरेनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम नेटिव्स में देखेंगे वो हैं आपके सुंगास डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, सातवाहना एंड चेती। तो दिस सातवाहना एंड चेती वी विल नॉट डिस्कस इन दिस क्लास, क्योंकि हम बीपीएससी फोकस्ड पढ़ रहे हैं एंड ये आपके आंध्रा रीजन में है। ठीक है, ये आपके साउथ के रीजन में है। तो हमें जिससे मतलब रखना है, दे वर द सुंगा एंड कानवास। ठीक है, और उसके बाद फॉरेन इन्वेडर्स में हम इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियंस, कुशानास, ये सब देख लेंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द सुंगास। ठीक है, तो सुंगास कौन थे आपके? तो जो पुष्यमित्र सुंगा थे, वो फाउंडर थे सुंगा डायनेस्टी के। ओके, एंड हु वाज पुष्यमित्र सुंगा? तो ये आपके ना मौर्यन डायनेस्टी में कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या था? तो इन्होंने जो लास्ट रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, बृहदत्त, उनको मार कर उनसे ये किंगडम ले लिया था। ठीक है, तो सी द सुंगा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र। पुष्यमित्र अपरूटेड बृहदत्त, द लास्ट मौर्यन रूलर, एंड ऑब्टेन द किंगडम। ओके, और एक्चुअली हम बस पॉन्डर पॉइंट्स देखते जाएंगे कि क्या क्या रिलेवेंट पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू सुंगास, कानवास, या फिर इंडो ग्रीक्स है, कुशांस है। तो सिर्फ रिलेवेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले पुष्यमित्र सुंगा में देखते हैं। तो पुष्यमित्र सुंगा में हमने ये देख लिया कि ये आपके कमांडर इन चीफ थे मौर्यंस के, इन्होंने क्या किया था? तो लास्ट रूलर जो थे मौर्यन के, बृहदत्त, उनको मारकर उनसे ये किंगडम ले लिया था। और ये भी मेंशन्ड है हिस्ट्री में कि इन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, अब आप सोचोगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि इन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो देखो, मौर्यंस के टाइम में ना बुद्धिज़्म बहुत प्रेवलेंट था, मतलब उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत सपोर्ट किया था और बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड था। तो जब सुंगास आए थे ना, तो ये लाइक ये लोग जो थे ना, ये प्रीडोमिनेंटली ना एकदम स्टॉन्च फॉलोवर थे हिंदुज़म के। ठीक है, तो ऐसा बोला भी जाता है, मतलब लाइक बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा भी बोलते हैं कि सुंगास ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था बुद्धिज़्म को, स्तूपास डिस्ट्रॉय किए थे, लिटरेरी सोर्सेज जो कुछ कुछ थे बुद्धिज़्म के, उनको भी डिस्ट्रॉय किया था। हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है, बट स्टिल इट्स रिटन कि हाँ, अशोका ने, आपने एक जगह पढ़ा होगा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अशोका ने ऑलमोस्ट 84,000 स्तूपास बनवाए थे। ठीक है, ये आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा था, मेंशन था। तो ऐसा कहा जाता है कि अबाउट 81,000 जो स्तूपास थे, वो पुष्यमित्र सुंगा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो उसी में हम देखते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने दो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और ये जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ये आपके कहाँ मेंशनड है? इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ये आपके कहाँ मेंशन्ड है? तो दिस इज मेंशन्ड इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन। और ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन किनका था? तो ये किंग धाना का था। ओके, और देखो, ये भी माना जाता है कि जो पतंजलि थे, पतंजलि की बुक का नाम क्या था? ये मैंने आपको मौर्यंस के लिटरेरी सोर्सेज पढ़ाते टाइम ही बताया था कि महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। तो जो पतंजलि थे, वो आपके प्रीस्ट थे इस दो अश्वमेध यज्ञ के। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? तो जो ये पुष्यमित्र सुंग थे, ही डिफीटेड डिमेट्रियस, एक बैक्टेरियन किंग थे। और ये कहाँ मेंशन्ड है? ये आपके मालविक अग्नि मित्रम में मेंशन है। अब आप ये बताओ, मालविक अग्नि मित्रम, ये भी हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में कि मालविक अग्नि मित्रम जो है, ये आपकी लिखा था कालिदास ने।
ठीक है। और ये जो बुक है, ये आपकी बुक है, एक लव स्टोरी है बेस्ड ऑन मालविका एंड अग्निमित्र। अभी हम आगे देखेंगे कि अग्निमित्र कौन है आपके। तो ये जो अग्निमित्र हैं, ये आपके पुष्यमित्र सुंगा के ही सन हैं, तो इन्हीं के स्टोरी पे बेस्ड है मालविका अग्निमित्रम। और उसी में मेंशनड है दैट ही डिफीटेड, ही मतलब पुष्यमित्र सुंगा, ओके, ही डिफीटेड डेमिट्रियस, जो कि एक बैक्ट्रियन किंग थे। बैक्ट्रियन किंग मतलब ग्रीक किंग थे, ओके। एंड हाँ, और जो मैंने आपको बताया था कि अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, तो ये आपके दिव्य वदान में मेंशन है। मैंने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि दिव्य वदान बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्स है, तो दिव्य वदान में ही मेंशन है, जो कि दिव्य वदान गिव्स अकाउंट ऑफ पुष्यमित्रास क्रुएलिटी टुवर्ड्स बुद्धिस्ट, ठीक है। और इन्हें क्या बोला गया है, तो इन्हें बुद्ध डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड स्तूपास बोला गया है। क्या बोला गया है, डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड स्तूपास। नाउ अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने रेनोवेट भी करवाया था। क्या करवाया था, तो जो स्तूपास है सांची एंड भरहुत के, ओके, द स्तूपास ऑफ सांची एंड भरहुत, उसको इन्होंने रेनोवेट भी करवाया था, ओके। और ये स्टॉन्च हिंदू फॉलोवर थे, हिंदू फॉलोवर थे, तो इन्होंने, अब देखो, अब हिंदू फॉलोवर है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ब्राह्मणिज्म को एक पुश मिलेगा, ठीक है, ब्राह्मणिज्म राइज होगा, और संस्कृत लैंग्वेज जो है ये आपके, इससे पहले हम जो लैंग्वेज देखते थे वो आपका लोकल लैंग्वेज क्या देखते थे, तो हम पाली देखते थे, प्राकृत देखते थे, ये सारे लैंग्वेज जो है हम देखते थे कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज हैं, वहाँ पे मतलब लोगों के बीच जितने भी हमें लिटरेरी अकाउंट्स मिल रहे हैं वो पाली में, प्राकृत में मिल रहे हैं। तो अब जो है, अब जब देखो ये स्टॉन्च फॉलोवर हैं हिंदुज़म के, तो ये क्या प्रमोट करेंगे, ब्राह्मणिज्म प्रमोट करेंगे, और ब्राह्मणिज्म को प्रमोट करेंगे ना, तो संस्कृत, संस्कृत जो है ये आपका लैंग्वेज बन जाएगा उस पीरियड का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पुष्यमित्र वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अग्निमित्रा, ओके, एंड अग्निमित्रा, उसके बाद अग्निमित्रा के बहुत सारे सक्सेसर हैं, जैसे सुज्येष्ठा, वसुमित्र, आंध्रका, पुलिंद्रका, घोषा, बट हमारे लिए ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक हमारे अग्निमित्र में हमें बस ये देखना था कि जो मालविका अग्निमित्रम है उसके आपके हीरो हैं अग्निमित्र। देन उसके बाद हम देखेंगे देवभूति, देवभूति हैं वो आपके लास्ट रूलर रहेंगे, जिसको उसके खुद के मिनिस्टर वसुदेव कन्वा जो है वो मार देंगे, ठीक है। देखो, देवभूति वॉज मर्डर्ड बाय ब्राह्मणा मिनिस्टर वसुदेव कन्वा एंड द सुंगा डायनेस्टी वॉज ओवर थ्रोन इन मगध, बट दे माइट हैव, ओके। देखो, अब कहते हैं ना कर्मा हिट्स हार्ड, तो देखो अब क्या हुआ, पुष्यमित्र सुंगा ने क्या किया था, वो कमांडर इन चीफ थे मौर्यंस के आर्मी में, तो उन्होंने बृहदत्त को मार दिया था, जो कि आपके मौर्यन के लास्ट किंग थे। वैसे ही क्या हुआ कि एक थे वसुदेव कन्वा, जो मिनिस्टर थे देवभूति के एम्पायर में, तो ऐसा बोला जाता है कि जो सुंगास थे, वसुदेव कन्वा ने उन्हें हटाया था बट मगध से बस, और मे बी सेंट्रल इंडिया में समवेयर सुंगास जो है वो उसके बाद भी थोड़ा रूल कर रहे थे, तब तक जब तक आंध्रा ने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया था, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सुंगास वॉज अंडर द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभा इज मेंशन बाय पतंजलि, एंड मंत्री परिषद ऑफ अग्निमित्रा इज रेफर्ड टू बाय कालिदास, एंड अग्निमित्र कंसल्टेड इट ऑन द ओकेजन ऑफ विदर्भा वॉर, ठीक है। दो पुष्यमित्र सुंगा वॉज अ किंग, ही डिड नॉट एज्यूम इम्पीरियल टाइटल्स एंड कंटिन्यू टू बी डेजिग्नेटेड एज सेनानी। अब देखो क्या हुआ आपका, कि पुष्यमित्र सुंग किंग जरूर थे बट उन्होंने कभी भी ऐसे इम्पीरियल टाइटल्स नहीं लिया, जैसे किंग, राजा, महाराजा, वो हमेशा एज अ सेनानी ही रहे, वो डिजिग्नेटेड रहे एज सेनानी ही, ठीक है। और किंग जो है सुंगा के टाइम में हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी थी। नाउ अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं सुंगा के रूल का। तो गार्गी संहिता रेफर्स टू द अटैक ऑफ यवनास ऑन पाटलिपुत्रा, तो ये जो गार्गी संहिता है ये आपके लिखा है ऋषि गार्गी ने, किसने लिखा है, तो ये गार्गी ने लिखा है, गार्गी ऋषि ने,
ओके एंड गार्गी संहिता रेफर्स टू द अटैक ऑफ यवनास ऑन पाटलिपुत्रा. सेकेंड पॉइंट इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ पुष्यमित्रा'स रेन आर विदर्भा वॉर. अब देखो पुष्यमित्रा के रेन में एक आपका विदर्भ वॉर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. उसमें क्या है कि अग्निमित्र जो पुष्यमित्र के सन थे ना वो वॉयसरॉय थे विदिशा के, एंड विदर्भा वॉज अंडर यजनसेना, ठीक है, और इन्हीं दोनों में वॉर हुआ था. ओके एंड थर्ड इज पुष्यमित्र ऑल्सो केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द खारवेल ऑफ कलिंगा. अब आपने देखो ये आपको याद होगा खारवेल ऑफ कलिंगा से आपको क्या याद आना चाहिए, तो खारवेल ऑफ कलिंगा से आपको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन याद आना चाहिए, ठीक है. तो या देखो इट्स रिटन कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला रेफर्स टू हिज इन्वेजन ऑफ मगध इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी. पुष्यमित्रा'स रीन बॉट इन अ पीरियड ऑफ ब्राह्मणिकल रूलर्स. अब देखो ये भी पॉइंट मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बता दिया है कि ब्राह्मणिज्म एंड ब्राह्मणिकल सोशल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन वेयर ऑन द राइज. सी ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि भरूत एंड सांची मॉन्यूमेंट्स वेयर इरेक्टेड एंड इम्बेलिस ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुंगास. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कानवास. अब ये कानवास क्या है, तो आपके जो कानवास डायनेस्टी है, कानवा अज्यूम पावर अंडर द वसुदेव, ठीक है, हु वॉज द अमात्या ऑफ देवभूति. ये देखो अमात्या वही मैंने आपको कहा ना कि मिनिस्टर थे ये देवभूति के कोर्ट में, और इन्होंने क्या किया था कि देवभूति को मारकर इनसे सारे पावर्स लेके अपने आप को किंग बना दिया था, और इन्होंने फाउंड किया था कानवा डायनेस्टी. इसमें आप देखो इसमें बहुत सारे आपके किंग आएंगे जैसे भूमिमित्रा, नारायण, सुशर्मन. तो आपके जो सुशर्मन ही ये आपके लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु वाज ओवरथ्रू बाय आंध्रराज. ये आपके आंध्रराज जो है ना ये आपके सातवाहन से, ठीक है, ठीक है, सातवाहनास. दो द आंध्रराज हैड ओवरथ्रू द कानवा देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट द आंध्र और द सातवाहना एवर रूल्ड ओवर द मगध. तो सातवाना और आंध्रज जो थे ना ये आपके ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है कि ये इन्होंने बिहार के ऊपर आके रूल किया है, ठीक है. और कानवा के बाद गुप्ता डायनेस्टी सीधे आएगी, इसका भी ना बहुत ज़्यादा मतलब ये भी बहुत ऑब्सक्योर है, मतलब हमें कुछ ठीक ठीक से पता नहीं है, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट दिस ऑल्सो. तो इसलिए बस हम डायरेक्ट कानवाज के बाद गुप्ताज की हिस्ट्री पढ़ते हैं बिहार के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना. कुशांश देखो, अब हम कुशांश से पहले क्या देख लेते हैं, तो कुशांश से जस्ट पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके फॉरेन इन्वेडर्स और थे. सबसे पहले हम आपका देखेंगे इंडो ग्रीक्स, ठीक है. तो ये जो आपके इंडो ग्रीक्स थे ना, तो ये आपके नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया, ठीक है, वहां पे रूल कर रहे थे. और इंडो ग्रीक्स ना फर्स्ट रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था. ओके तो अब कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे आए कि किसने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किया था, तो वो आपके इंडो ग्रीक रूलर्स हैं, ठीक है. एंड ये मिलता कहां, तो मतलब देखो, और जो कॉइन्स होते थे ना उसमें इंडियन और ग्रीक दोनों के इंस्क्रिप्शन मिलते थे, मतलब इंडियन डीटीज भी होते थे, मतलब इंडिया के इंडियन जो भगवान होते थे वो भी मिलते थे आपको कॉइन्स पे. और यही इंडो ग्रीक्स आपके देखो गोल्ड कॉइन्स, पहला आपको ये पॉइंट याद रखना है, बस दो पॉइंट आपको इंडो ग्रीक से याद रखना है, एक गोल्ड कॉइन्स, दूसरा गांधार आर्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, एंड इनका सबसे जो प्रोमिनेंट किंग था वो था आपका मियांडर, ठीक है. अब मियांडर की आप एक बुक का नाम सुना होगा आपने, मिलिंद पानहो. ओके दिस इज क्वेश्चन ऑफ मियांडर. ओके एंड ये क्या था ये बुक, तो नागसेना ये आपके थे बुद्धिज्म के मॉन्क. ओके बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना. ओके एंड जब मियांडर नागसेना से मिले थे ना, तो मियांडर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द बुद्धिज्म रिलीजन, तो इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे नागसेना से. और ये जो डायलॉग है बिटवीन मियांडर एंड नागसेना ना, यही आपकी बुक है मिलिंद पानहो, जो कि लिखा किसने है, ये नागसेना ने लिखा है. और ये ओरिजिनली जो है ये आपके संस्कृत में है.
ओके, और इसका आपका पाली वर्जन भी मिलता है। जो संस्कृत में है वो तो हमें अभी तक हम मतलब ये अवेलेबल नहीं है, पाली वाला अभी आपके अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके आते हैं शाकाज, ठीक है। जो शाकाज थे इसमें आपको दो चार इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रखना है कि देखो क्या है कि ये जो शाकाज थे ये आपके सेंट्रल एशिया से आए थे। ओके, एंड पतंजलि की जो बुक है महाभाष्य, इन दैट बुक इट इज मेंशन कि शाकाज जो है ना वो प्योर शुद्धा शूद्रास थे। ओके, और ये जो है ना ये आपके नोमैडिक ट्राइब थे सेंट्रल एशिया के। इन्हें ये मतलब ऐसे था कि दो दो चार ट्राइब्स होते थे जो नोमैडिक ट्राइब्स थे, वो लोग बस माइग्रेट करते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, जैसे हुइंग नू वुसून यूचीज। अभी आप देखोगे जब कुषाण सब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि यूची ट्राइब थे ये लोग। तो वैसे ही स्प्लिट होता होता ये लोग अफगानिस्तान से होते हुए बैक्ट्रिया और पार्थियन को इंडिया से निकालते हुए शाकाज आ जाएंगे आपको इंडिया पे रूल करने के लिए। ठीक है, और इसी शाकाज में आप देखोगे आपको इसमें एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखी है नहीं है, विक्रम संवत, एक कैलेंडर जो हम रखते हैं ना याद, विक्रम संवत एरा या विक्रम संवत कैलेंडर जो भी है, ये आपका स्टार्ट होता है 58 CE से। तो ये उज्जैन के किंग थे आपके विक्रमादित्य, उन्होंने ही जब शाकास को हराया था ना तो उन्होंने ये कैलेंडर जो है, सब बोला जाता है कि उन्होंने ये कैलेंडर स्टार्ट किया था विक्रम संवत एरा 58 CE से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट अब हम कुशांस को देखते हैं। ठीक है, तो कुशांस जो थे ये आपके वन ऑफ द फाइव ब्रांचेस ऑफ यूची ट्राइब। ठीक है, यूची ट्राइब जो थे आपके उनके पांच ब्रांचेस में से एक थे कुशांस, और इनका जो एम्पायर है एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर ऑक्सस टू रिवर गंगा। अब देखो ये ऑक्सस रिवर कहाँ है, ये आपके खोरासन में है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में एक जगह है खोरासन, वहीं पे आपका रिवर ऑक्सस है, और वहाँ से लेकर रिवर गंगा जो कि आपके वाराणसी की यूपी में है, वहाँ से यहाँ तक आपके कुशांस का जो है वो एम्पायर एक्सटेंडेड था। ओके, एंड द फर्स्ट फाउंडर, एक्चुअली फाउंडर जो थे कुशांस के वो आपके कौन थे, तो वो थे आपके कुजुल कदफिशेस। ओके, कुशांस, अबाउट कुशांस, नो हाँ, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। चलो, जो फाउंडर थे आपके वो थे कुजुल कदफिश, और वो फर्स्ट यूची चीफ थे जिन्होंने फाउंडेशन ले किया ले डाउन किया था कहाँ, तो इंडिया में। और इन्होंने कॉपर कॉइन्स जो है वो भी, बहुत सारे कॉपर कॉइन्स थे वो करवाए थे और इन्होंने बहुत सारे कॉपर कॉइन्स भी मोल करवाए थे। इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स लिए थे, इट्स लाइक कि धर्माथिदा, धर्माथिदा मतलब लॉर्ड ऑफ होल्ड वर्ल्ड। एंड दूसरा, दूसरे जो आपके किंग थे वो थे वीमा कदफिसेस। ठीक है, और वीमा कदफिसेस ने ना, इन्होंने आपके गोल्ड कॉइन्स ना बहुत लार्ज नंबर में इशू करवाए थे, और ये आपके लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े डिवोटी थे और खुद को ये महेश्वरा कहते थे। और इनके कॉइन्स जब आप देखोगे ना तो इनके कॉइन्स पे भी ना ये सेम टाइटल जो है महेश्वरा यही आपको इंस्क्राइब दिखेगा। ओके, एंड जितने भी कॉइन्स थे गोल्ड एंड कॉपर के, सबके सारे कॉइन्स में साइन ऑफ शिवा होता था विद अ ट्राइडेंट बुल। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, मैं बस ऐसे ही बता दे रही हूँ, इट्स लाइक काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट हो भी सकता है, बट इतना डीप भी बेसिक भी पूछता नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं कनिष्का, कनिष्का इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कनिष्का आपका हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो कनिष्का थे इनका रूल आपका 78 CE to 101 CE है। ओके, एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट कुशान किंग। और अकाउंट्स कहाँ से मिलते हैं कनिष्का के, तो ये आपके एक रबातक इंस्क्रिप्शन है अफगानिस्तान में। क्या है? रबातक इंस्क्रिप्शन,
वहीं से हमें अकाउंट्स मिलते हैं किसके बारे में, तो कनिष्का के बारे में। इनका एक टाइटल इन्होंने लिया था, वो है आपका देवपुत्र। और दो कैपिटल्स थी, कहाँ क्या कितनी कैपिटल थी, दो कैपिटल्स थी इनकी। एक आपकी हो गई पुरुषपुरा, एंड दूसरी जो आपकी कैपिटल है वो है आपकी मथुरा। और ये जो मथुरा थी ना, ये आपको उत्तरापथ और दक्षिणापथ को कनेक्ट करने का ना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये जो कनिष्का है, इन्होंने ही आपका स्टार्ट किया था शाका एरा, ठीक है। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, देखो इससे पहले हमने देखा था विक्रम संवत एरा, जिसमें विक्रमादित्य जो किंग थे आपके, विक्रमादित्य ने जब शाकास को हराया था, तो वहाँ हमने देखा था शाका संवत एरा स्टार्ट होते हुए 58 CE में। नाउ हम देखेंगे शाका एरा, वो है आपका 78 CE। ओके, ये किसने स्टार्ट करवाया था, तो ये आपके कनिष्का ने करवाया था। और कनिष्का ने आपके एक और चीज करवाया था, वो है आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अब आप ट्रांजिशन देखो, पहले मौर्यास थे, वो आपके फॉलोवर्स थे बुद्धिज्म के, ठीक है। देन आपके सुंगाज आए, स्टॉन्च हिंदू फॉलोवर, फिर आपके कनवाज वगैरह आए, फिर बीच में आपके जब देखो ये जब आपके ये वाले रूलर आएंगे ना कुशांस, तो कुशांस में आपका कनिष्का जो है, ये आपका ये जो है ये आपके बुद्धिस्ट फॉलोवर है, ठीक है। एंड ये जो है ना, ये महायान बुद्धिस्ट के फॉलोवर हैं। ओके, तो इसीलिए इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। और वी नो दैट के फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, श्वेतांबर एंड नो सॉरी श्वेतांबर एंड वी नो दैट के फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो है वो डिवाइड हो गया था आपके क्या, हीनयान एंड महायान में। ओके, फिर चलो अब हम कुछ देख लेते हैं। द न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज प्रोवाइड अ डेफिनेट एविडेंस ऑफ बिहार डेफिनेट एविडेंस द न्यूमिस्मैटिक सोर्स प्रोवाइड अ डेफिनेट एविडेंस दैट बिहार वॉज अंडर द कुषाण रूल। अ लार्ज नंबर ऑफ कुषाण कॉइन्स बिलोंग टू द वीमा खदफिसेस कनिष्का एंड हुविष्का हैज बीन फाउंड एट बक्सर। देखो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अभी मैंने आपको बताया था कि वीमा कदफिशेस ने लार्ज नंबर में गोल्ड कॉइन इशू करवाए थे, उसके बाद कनिष्का ने भी आपके बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू करवाए थे। और ये जो आपके गोल्ड कॉइन्स इशूड हैं, गोल्ड और कॉपर कॉइन्स, ये आपको कहाँ मिलते हैं, तो ये आपको बक्सर में मिलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बक्सर में मतलब बिहार वॉज ऑल्सो अंडर द रूल ऑफ कनिष्का और कुशांस। ओके, अ कॉइन ऑफ हुविष्का वॉज फाउंड नियर वज्रसा। अ कॉइन ऑफ हुविष्का वॉज फाउंड नियर वज्रासना इन बोधगया बाय कनिंगम। ओके, कुषाण कॉइन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन वैशाली। देखो कहाँ कहाँ आपको कॉइन मिल रहा है, बोधगया, बक्सर, वैशाली एंड कुम्हरार दैट इज पटना, इन सब के एक्सकवेशन में मिला है। इन रीसेंट एक्सकेवेशन इन कुम्हरार फोर टेराकोटा फिगर्स इन मथुरा रेड सैंडस्टोन एंड विथ कैरेक्टरिस्टिक कुषाण फीचर्स एंड ड्रेस हैव बीन फाउंड। ऑल दिस एविडेंस सजेस्ट दैट कुषाण ऑक्यूपेशन ऑफ बिहार। अब देखो कुषाण्स बिहार में रूल किए हैं, ये हमें कैसे पता चलता है, तो ये हमें कॉइन से पता चलता है, मेजरली हमें कॉइन से ही पता चलता है। तो उनके जो कॉइन्स थे वो हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, बक्सर में मिला, बोधगया में, वैशाली में एंड कुम्हरार मतलब पटना में भी मिला है। एंड कुम्हरार से हमें और क्या क्या मिला है, तो हमें फोर टेराकोटा फिगराइन मिली है जो कि मथुरा रेड सैंडस्टोन से बनी है, और उसमें जो है वो कुशांस के फीचर्स हैं और ड्रेस हैं। तो इसे हम मतलब इन सब एविडेंस से हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ कुशांस जो थे वो आपके बिहार पे भी रूल कर रहे थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कुशान एम्पायर पाटलिपुत्र वॉज रूल्ड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ सिंथियन गवर्नर्स नोन एज मुरुंदास। द लिच्छवी ऑल्सो रीएमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन दिस रीजन। हाउएवर द हिस्ट्री ऑफ बिहार रीअपीयर्ड ऑन अ सॉलिड फुटिंग विद द एमरजेंस ऑफ माइटी गुप्ता एम्पायर। देखो मैंने बोला था ना आपको कि ये बहुत ऑब्सक्योर है, कि हमें मतलब हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कुशांस के बाद कौन आया है, ठीक है। कुशांस के बाद डायरेक्ट इन लोगों
नहीं गुप्ताज ने आके रूल किया है, या फिर बीच में जैसे कुछ हमें ऐसा एविडेंस मिलता है जैसे मुरुंदास, ठीक है, लिच्छवी, ये सब भी आए हैं, इन्होंने बिहार पे रूल किया है, बट सॉलिड जो हमें एविडेंस मिलता है ना, जो सॉलिड फुटेज मिलता है ना, वो आप जो सॉलिड फुटिंग मिलती है ना, वो आपकी मिलती है गुप्ता डायनेस्टी जब आती है तब से। अब कुछ एग्जामिनेशन फैक्ट्स देख लेते हैं क्या है। सुंगा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंगा। पतंजलि हु रोट महाभाष्य वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ पुष्यमित्र। और यही हमने देखा था कि पतंजलि, ऐसा मतलब एविडेंस मिलता है कि पतंजलि ने ही पुष्यमित्र सुंगा के 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र कंटिन्यू टू बी डेजिग्नेटेड एज सेनानी। वसुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ कन्वा डायनेस्टी। भीमा कदफिसेस कुषाण एक्सटेंडेड हिज रूल अप टू बिहार। अ लार्ज नंबर ऑफ कुषाण कॉइन्स बिलोंग टू कनिष्का हैव बीन फाउंड एट बक्सर्स। ओके, अब देखो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आज मैंने सोचा आपको ये भी इंक्लूड कर दें तो ये भी देख लेते हैं। विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल ओवर द मगध आफ्टर द मौर्यन एम्पायर। अब आपको भी पता है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सुंगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज विच बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम द पाटलिपुत्र एडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्का। ठीक है, अब देखो कनिष्क का कोर्ट है, इसमें आपके कौन आएंगे, तो ये अब ये जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर्स जो भी होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और पढ़ देती हूँ। द कैपिटल ऑफ सुंगाज वॉज एट, फिर आपको सोच के बताना है कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि इससे हमें भी पता चलेगा कि आप क्लास को देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आपको क्लास समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो आप एक बार कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि आपको बीपीएससी वाले एग्ज़ाम में 2 घंटे बैठ के वहाँ भी आपको इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से ना एक सही आंसर को चूज़ करना है। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें इसको। और आज के लिए हमारी यहीं तक की क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट दिस क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल एशिया के कॉन्टैक्ट्स थे उससे। उसके बाद गांधार आर्ट देखेंगे हम, मथुरा आर्ट देखेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद गुप्ता डायनेस्टी। ओके, थैंक यू।